सभी का स्वागत है। और देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी मार्केट में कैसी तेजी या मंदी देखने को मिली, FIS और DIS का डाटा क्या कहता है और मार्केट में हमको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर देखिए BSE और NSE में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की आपको एक तेजी देखने को मिलती है, लेकिन उसी जगह अगर हम बात करें इस जगह देखिए डाउ जॉन की या NASDAQ की, तो यहाँ पर भी एक बड़ी तेजी आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर देखिए हम बात करें एशिया मार्केट में तो आपको देखिए काफ़ी अच्छी तेजी आपको इस जगह देखने को मिल जाती है। SSI की भी अगर हम देखें या आप देखें एक जगह देखें हैंडसेक की, तो यहाँ पे भी एक जबरदस्त तेजी आपको दिखाई दे रही है। तो रोल ओवर अगर हम बात करें तो अमेरिकी मार्केट से देखें एक सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से कुछ तेजी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल यही निकल के आता है कि FIS और DIS का डेटा क्या कहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट पूरा पैसे का हिसाब रखती है और पैसे के हिसाब रखने के बाद मार्केट में पता चलता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा निकल रहा है। अगर देखिए उन्हीं चीज़ों को याद करके मैं आपको इस जगह सिंगापुर निफ्टी बताऊं, तो सिंगापुर निफ्टी में देखिए 17,870 की आपको लास्ट क्लोजिंग देखने को मिलती है। उसी जगह अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस जगह देखिए 28 पॉइंटों की आपको कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलती है। और देखिए अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 0.16 के आसपास की आपको यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिल जाता है। और उसी जगह अगर हम बात करें तो अभी जो हमारा निफ्टी की इस जगह प्राइस है, वो निफ्टी का प्राइस है 17,833 के समथिंग। और कहीं ना कहीं इस जगह हमको लगता है मार्केट में कि कहीं ना कहीं देखिए इस जगह 35 से लेके 40 पॉइंटों की आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल आता है कि FIS और DIS ने क्या किया, उसका डेटा क्या कहता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। लोग हमेशा इस जगह चार्ट को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए जिस जगह से मार्केट में पैसा आता है। आप सभी को पता है कि मार्केट पूरा पैसे का खेल है। अगर मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में से पैसा निकलेगा तो मार्केट नीचे आएगा। और उसमें सबसे बड़े प्लेयर जो होते हैं वो इस जगह देखिए FIS और DIS होते हैं। इसमें भी मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि FIS की जितनी भी वैल्यू होगी वो करोड़ के अंदर होगी और DIS की जितनी भी वैल्यू होगी वो करोड़ के अंदर होगी। तो सबसे पहले हम कैश के डेटा की बात करते हैं कि FIS का कैश का डेटा क्या कहता है। तो कैश के डेटा में अगर हम बात करें तो इस जगह देखिए इंडेक्स का डेटा मैंने आपको सबसे पहले आपको बताया जो कैश का डेटा है, तो यहां पे अगर आप देखो तो FIS की तरफ से जबरदस्त देखिए इस जगह खरीदारी आपको दिखाई दे रही है। और अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 9 सितंबर तक जबरदस्त इसने खरीदारी की, लेकिन 5 सितंबर इस जगह देखिए 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक का डेटा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस जगह देखिए 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इस जगह की थी 3 के अंदर। लेकिन उसके बाद जो खरीदारी आपको देखने को मिली वो इस जगह आपको दिखाना चाहूंगा कि 3835 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, यानी कैश में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी जगह अगर हम बात करें DIS की तो DIS का डेटा क्या कहता है, DIS का डेटा में अगर आप देखो तो छोटी सी बिकवाली आपको दिखाई दे रही है, बहुत छोटी बिकवाली आपको दिखाई दे रही है जो कि 70 करोड़ के आसपास की है। क्योंकि DIS ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, वो बीच बीच में देखिए उन्होंने खरीदारी की थी, पहले कितना खरीदारी किया था 950 करोड़ के आसपास, फिर देखिए 670 करोड़ के आसपास की बिकवाली की, फिर खरीदारी इस जगह करते हुए दिखाई, उसके बाद देखिए जो आपको इस जगह दिखाई देगा 6 सितंबर को भी देखिए 632 करोड़ के आसपास की खरीदारी की, यानी DIS बीच बीच में इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी में अगर आप देखो तो 3 दिनों से यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है और कैलकुलेट जो आपको होते हुए दिखाई दे रहा है वो आपको देखने को मिलेगा कि 70 करोड़ के आसपास की बिकवाली दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह FIS की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने FNO का डेटा ओपन किया। FNO का डेटा देखिए वही चीज़ होता है जो आप देखिए कॉल और पुट में काम करते हो। तो सबसे पहले जो FNO के डेटा में हम देखेंगे FIS का डेटा जो कि इंडेक्स के डेटा में फ्यूचर का डेटा आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना FIS इंडेक्स फ्यूचर का डेटा, ठीक है, और जो इंडेक्स का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कैश में तो चलिए उन्होंने खरीदारी किया है, अब कैश में खरीदारी करने का मतलब कि मार्केट देखिए अगर ऊपर भी जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, लेकिन उनकी कैश में पोजीशन है, ठीक है। अब कैश में पोजीशन देखिए 1 साल के लिए भी हो सकता है, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने कैश में पोजीशन लिया है तो उसमें तेजी तो आएगा, क्योंकि जिस टाइम देखिए इसमें पोजीशन लेते हैं उसी टाइम से आपको तेजी देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो फ्यूचर में हेजिंग किया है, ठीक है, फ्यूचर में देखिए आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि 500 5000
490 करोड़ की बिकवाली है अभी प्रेजेंट में। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब देखिए फ्यूचर में बिकवाली होती है, फ्यूचर में बिकवाली होती है तो ऑप्शन में वो क्या खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, क्योंकि फ्यूचर में देखिए उन्होंने बिकवाली किया, मेरे पास पैसा है, जबरदस्त पैसा है, और जबरदस्त पैसा होने के बाद अगर मैं इस जगह फ्यूचर में बिकवाली कर रहा हूँ तो मार्केट नीचे आता है, ठीक है। और जब मार्केट नीचे आता है तो हम किस में काम करते हैं, सीई में काम करते हैं या इस जगह पीई में काम करते हैं, आप जो मुझे कमेंट में बताइए, बिल्कुल पीई में काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए इस जगह हेजिंग काफ़ी ज़बरदस्त इस जगह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमको जिस चीज़ को भी देखना है कि अगर मार्केट नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो उस जगह हमको पुट बाइंग करने की भी कोशिश करना है, लेकिन मार्केट अगर नीचे के सपोर्ट पर मिलता है तो उस जगह हमको सीई भी बाइंग करके चलना है। डेटा से हमको बिल्कुल ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए बड़ा पैसा जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह नेक्स्ट डेस्क का चार्ट ओपन किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के जो भी अपडेट होते हैं वो आपको इस जगह पब्लिश किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बिल्कुल फ्री दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इस जगह की मार्केट में। देखिए जो आपका नीचे वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था, इस जगह देखिए मैंने आपको जो नीचे वाला लेवल बताया था उसको मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि नेक्स्ट डेस में देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट में नीचे एक सपोर्ट है जो कि मैंने इस जगह लिखा भी था 11,570 रुपये का, जो आपका काफ़ी मजबूत सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है जब भी हमको सेलिंग देखने को मिलेगा, वरना सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर मैंने वीडियो पब्लिश भी किया था, उसको जाके आप देख लीजिए। हमारा जो डेली इस जगह अमेरिकी मार्केट के ऊपर जो वीडियो आता है उसको आप बिल्कुल जाके देखिए। तो मार्केट इसके नीचे जाता है जब भी हमको तेजी देखने मंदी देखने को मिलती, उससे पहले नहीं देखने को मिलती। और उस लेवल से अगर आप देखो तो एक अच्छा रिकवर हो चुका है। अब ऊपर कितना जा सकता है, तो ऊपर की अगर हम बात करें तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डेस में कहीं ना कहीं देखिए इस प्राइस से आपका इस जगह देखिए 300 से लेके इस जगह देखिए 380 पॉइंट को की तेजी आ सकती है। अगर इतनी तेजी आती है तो कहीं ना कहीं आपका जो इंडिया मार्केट है वो भी आपको ऊपर की साइड जा सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि ये तेजी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आती है तो आपको इस जगह इंडिया के मार्केट में भी एक कॉल बाइंग करने का मौका मिल सकता है। उसी जगह मैं बात करूं देखिए डाउ जोन की, तो डाउ जोन में देखिए वही पैटर्न निकल के आता है। अब देखिए डाउ जोन में होता क्या है, मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाता हूँ कि हमने देखिए क्या बात किया था, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। इस जगह कि मार्केट में जो नीचे वाला जो लेवल था, देखिए ये वाला जो लेवल था जिस जगह से आपको तेज़ी देखने को मिली थी, और इसी जगह से देखिए मार्केट में मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई मार्केट में एक करेक्शन हो चुका है, अब आपका तेज़ी का पैटर्न बन सकता है। लेकिन इसी लेवल को जब इसने ब्रेक किया था, जो आपका जब बड़ा कैंडल बना था, तो बड़े कैंडल से क्या हुआ कि इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, जिन लोगों के एसएल लगे हुए थे उस एसएल के वजह से मार्केट नीचे की साइड आया, ठीक है। लेकिन जो आपका पहला वाला जो सपोर्ट था वो सपोर्ट आपका आगे काम करता हुआ दिखाई दिया, देखिए बिल्कुल उसी प्राइस पे जो कि मैंने आपको नीचे की साइड इस जगह कहीं ना कहीं बताया था। इस जगह देखें आपका 30,900 का लेवल था, ठीक है 30,900 का। उस प्राइस से अगर आप देखोगे तो उस प्राइस से आपका अभी कितना चलते हुए दिखाई दे रहा है, देखिए 32,150 रुपये के समथिंग का आपका ये प्राइस चलते हुए दिखाई दे रहा है, 32,150 रुपये का। यानी नीचे के लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आ चुकी है। अब कितनी रिकवरी आ सकती है, तो अभी अगर मुझे इस जगह मैं बात करूं तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिकवरी और आ सकता है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, जो कि अगर हम कहीं ना कहीं देखें इस जगह बात करें तो 400 से लेके इस जगह देखिए 500 पॉइंटों की रिकवरी हमको इस जगह लेवल पे देखने को मिल सकती है नीचे के लेवल से, ठीक है अभी जो प्राइस है। लेकिन कब देखने को मिलेगा, जब मार्केट अपने हाई को क्रॉस करेगा इस वाले को। नीचे अगर हम सेलिंग की बात करें कि भाई मार्केट में सेलिंग हमको कब करना चाहिए, तो उस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए डाउ जोन आपका तेज़ी से ओपन हो गया ऊपर की साइड, तो अब आपका सेलिंग का लेवल आपको ये देखना है। जब आप सेलिंग करोगे तो आपको देखना है कि डाउ जोन का जो प्राइस है वो 33,330 के आसपास। अगर इस प्राइस के आसपास डाउ जोन है, ठीक है, और बैंक निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास है, यानी साइकोलॉजी लेवल के आसपास है, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं पीई बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, इस लेवल पे फंसे हुए हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे इस लेवल से। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है, यानी डाउ जोन मिलता है, तो उस जगह से हम पीई भी बाइंग करेंगे। अब इसका मजबूत जो आपका सपोर्ट है, वो आपको सपोर्ट इस जगह देखने को मिलता है 30,800 रुपये का। इसके नीचे जाए
आएगा ना, जब भी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में थोड़ा और तेजी आते आता आ सकता है, और फिर आने के बाद आपका ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। चार्ट के पैटर्न से अगर हम समझे तो पहले आपका मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आपको बिल्कुल सीई बाइंग करने का मौका मिला है, जिन लोगों को उनको ऊपर की साइड ले जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे की साइड आएगा। इस टाइप का पैटर्न है। बाकी भी देखिए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो कॉल होते हैं वो मैं पब्लिश कर ही देता हूँ, और हमारा जो वीडियो है वो भी वीडियो आ चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो आ चुका है, तो उसको जाके आप देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम इस जगह रखते हैं 900 लाइकों का, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको पूरा करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।